हेलो जी, आप सब कैसे हैं? मैं हूं परवेज रंद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि आप ट्रेवल हिस्ट्री कैसे बना सकते हैं और क्या ट्रेवल हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, क्या ये जो ट्रेवल हिस्ट्री आप बना रहे हो तो इससे चांसेस होते हैं कि आप यूरोप जा सकते हो, यूरोप के किसी भी कंट्री में जा सकते हो। तो सबसे पहले नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। तो सबसे आसान तरीका इस वक्त ट्रेवल जो हिस्ट्री आप बना सकते हो, जो मैं खुद भी बना चुका हूं, नाजरीन, मेरा जो पहला कंट्री था, सबसे पहले मैंने दुबई का इंतखाब किया। दुबई का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि आजकल पाकिस्तान में हर कोई ऐसा बंदा है जिसके जानने वाले दुबई में होते हैं। दुबई सबसे सस्ता एक ट्रिप आपका बन सकता है और उसके साथ साथ आपका ट्रेवल हिस्ट्री बन सकता है। और सवाल यहाँ पे पैदा होता है, आप दुबई में कितने दिन के लिए या रहना चाहिए? जहां तक मेरा ख्याल है, मैं खुद 1 वीक के लिए गया था। आप इस अप्लाई करते हो तो आपको 1 महीने का वीजा मिल जाता है और उसके बाद आप जाए 1 हफ्ते के लिए रहें। दुबई में इसलिए क्योंकि दुबई आपका पूरा ट्रिप 1 लाख में हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ आने और जाने का रिटर्न टिकट होते हैं और उसके साथ साथ आपका वीजा भी 20,000 22,000 में आपको मिल सकता है और आसानी से मिल सकता है। मुझे 1 दिन में मिला था। ये सबसे हैरानगी की बात है कि मुझे 1 दिन में दुबई का वीजा मिला था। और कोई हैरान था कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग जाता है, कभी लोगों का रिजेक्ट भी हो जाते हैं। मेरा रिजेक्ट भी नहीं हुआ और मुझे 1 दिन में मिला था। तो आप लोगों को भी मैं यही मशवरा देता हूं कि आप लोग दुबई जाएं। दुबई में आप लोगों के जानने वाले भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं और दुबई सबसे ज्यादा सस्ते में आपको मिलेगा। और वहां पे होगा कि आपका घूमना फिरना रिहायश आपका फ्री हो सकता है। अगर फ्री नहीं भी है तो भी आपको, अगर 1 हफ्ते के लिए आप रहेंगे, कोई आप 3 स्टार होटल में रहें, 2 स्टार होटल में रहेंगे तो वहां पे आपको खर्चा बहुत कम आएगा, खाना पीना आपको बहुत सस्ता मिलेगा और आपका ट्रेवल हिस्ट्री बन सकता है। और उसके बाद जो दूसरे कंट्री का मैंने इंतखाब किया वो है थाईलैंड। थाईलैंड का भी वीजा बहुत आसानी से आपको मिलता है और आप थाईलैंड जा सकते हो और वहां पे 5 दिन का भी आप ट्रिप लगाएं तो भी आपका वीजा जो ट्रेवल हिस्ट्री है वो बन सकता है और इतना खर्चा भी आपको नहीं आता। पूरा थाईलैंड 5 दिन के अंदर घूम सकते हो और उसको खत्म कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जगह होते हैं उसको आप घूम सकते हो और आप ट्रेवल हिस्ट्री भी बना सकते हो। नजर तीसरा कंट्री जिसका मैंने इंतखाब किया था वो है तुर्की। तुर्की भी हर किसी का एक फेवरेट प्लेस होता है। वहां पे जो मॉडर्न मुस्लिम्स रहते हैं, खासकर अर्तुगरुल और उस्मान भाई के बाद आप लोगों को पसंद भी आने लग गया है। और अर्दोगान जब से आया है उसने भी तुर्की का थोड़ा इमेज बनाया और काम भी किया है। हर कोई चाहता है कि वो तुर्की जाए। तुर्की में अगर आप अपने दोस्त और रिश्तेदार अगर आपके नहीं है तो भी आप 2 लाख में एक अच्छा खासा विजिट कर सकते हो, पूरे तुर्की को घूम सकते हो सिर्फ 2 लाख में। नाजिन उसके बाद हमारे जो कंट्रीज है, खासकर अजरबैजान है। अजरबैजान एक बेस्ट कंट्री है। लोकेशन वाइज भी देखा जाए वहां के लोग मेहमान नवाज भी होते हैं, पाकिस्तानियों से मोहब्बत भी करते हैं और बहुत ही खुश इखलाक भी है और आपको बहुत कुछ एंटरटेनमेंट के लिए मिल सकता है और आपका पूरा ट्रिप वो भी 2 लाख से 1.5 लाख तक आप उसका भी विजिट कर सकते हो। 5 से 7 दिन का अपना ट्रेवल हिस्ट्री बना सकते हो। और नाजरीन एक और मुल्क है, वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब भी जाना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान होता है। आप साथ साथ उमरा भी कर सकते हो, आप मक्का मदीना का भी आप वो कर सकते हो, लेकिन आप उसको भी अपने ट्रेवल हिस्ट्री में बना ला सकते हो। तो नाजरीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ये सारे कंट्री, 4-5 कंट्रीज का मैंने नाम लिया, आप सबका विजिट करें। बेशक अगर आप कम भी करना चाहते हो, आप सिर्फ दुबई और तुर्की का भी इंतखाब करेंगे तो भी आपके चांसेस होते हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बाकी वाकई में ही इसके इंपॉर्टेंस है, लोग देखेंगे कि भाई इसने दुबई का भी विजिट किया, तुर्की का भी विजिट किया, मतलब इतना खर्चा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यूरोप में जाएगा भीख मांगेगा, बल्कि इसके अंदर इतना है कि उसने वहां पे भी 7 दिन रहा, यहाँ पे भी 7 दिन और अभी यूरोप में भी 7 दिन के लिए अप्लाई कर सकता है, कर रहा है। तो इसका मतलब है 7 दिन रहेगा और वापस आ भी जाएगा अपने मुल्क में, एक टूरिस्ट है। तो इस तरह फिर आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं और फिर देखेंगे कि इसने 2-3 कंट्री का विजिट भी किया है और यूरोप के लिए भी इसने टिकट भी अपने बुक किया है और यहाँ पे अपने लिए जो रिहायश का भी बंदोबस्त किया है और अभी भी इसके
जो बैंक स्टेटमेंट है 10 से 15 लाख का, यानी वो आपको इससे जज करते हैं और आपको वीजा आसानी से 3 वीक के अंदर, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर मिल सकता है। तो मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप रब्ता करें, हम नंबर भी दिया हुआ है उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, आपको गाइड करेंगे।